वहीं दुर्ग जिले में नशे के अवैध सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशे के सौदागरों से 150 किलोग्राम गांजा सहित नशा तस्करी में शामिल वाहन को जब्त किया है। इस दौरान ACCU प्रभारी रीचा मिश्रा ने बताया कि जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत बोगदा पुल के पास नंदनी की ओर से आती हुई एक संदिग्ध टाटा मिनी ट्रक दिखाई दी। वहीं जब उस वाहन को रोक करने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते आरोपियों समेत वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया। इसके तहत ही वाहन में सवार आरोपी सोनू डहरिया, शिव कुमार टंडन और खिलावन यादव को भी घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं वहां की तलाशी के दौरान 5 प्लास्टिक के बोरों में तकरीबन 150 पैकेट गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। हमको पता चला था कि जामुल एरिया में एक बड़ा तस्कर है जो कि पूरा, जिसने कई सारी गाड़ियां बहुत अल्प समय में खरीद ली, अच्छी लग्जरी गाड़ियां, और वो गाड़ियों के थ्रू गांजा मंगाता है। और उसकी मोडस ऑपरेंडी भी इस तरह की होती है कि वो अपने ड्राइवर को भेज देता है रायगढ़ से। ये लोग कोई भी एक मालवाहक, कोई भी सामान, सब्जी हो गई, कोयला हो गया, ये लोड कर लेते हैं। उसके बाद सीधे ये लोग रायगढ़ से भिलाई ना आते हुए बॉर्डर पर उसको उड़ीसा भेज देते हैं। उड़ीसा में ये इनके जो भी संपर्क है उन संपर्कों से ये गांजा वहाँ लोड कर लेते हैं, और उसके बाद एक सामान्य मालवाहक गाड़ी की तरह से ये गाड़ी जो है यहाँ पर आ जाती थी और खाली हो जाती थी। तो इस गाड़ी का हमने लगभग इसको ट्रेस कर लिया था, हमने इस पर GPS ट्रैकर भी लगा दिया था। और इसको ट्रेस करते करते जैसे ये जामुल में बोगदा पुल के पास में आई, हमने घेराबंदी करके इसको पकड़ा, और पकड़ने पे एक बड़ी कामयाबी मिली। और उम्मीद है कि इससे गांजा तस्करों की बैकबोन टूटेगी, जो भी लोग बड़े मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं गांजा वो खत्म होगा। ये टीम को पकड़ा है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लगभग 1.5 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है, और 5 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, जिसमें एक टाटा मिनी ट्रक, 2 महिंद्रा पिकअप, 1 स्कोडा और 1 महिंद्रा SUV, कुल 5 गाड़ियों के साथ 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है, 5 गाड़ियों को जब्त किया गया है।